हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? कुशल करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आज कल से घर पे हूँ, परसों मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 2 दिन जिम नहीं जा पाया, ठीक है जी। और जिम नहीं गया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा, बहुत अजीब सा फील हो रहा कि मैं कैसा हो गया हूँ, कैसा दुबला पतला, अजीब सा लग रहा अपने आप को। यानी शरीर में फुर्ती नहीं है कहा जाए तो, ठीक है जी। परसों आया, मैं गया था जॉब पर से आया, जॉब पैसा लगा, मेरा लत में दर्द हो रही है तो मैं बैठ गया। बहुत मुश्किल से काम कुम करके घर आया और मेरे घर पे कोई है भी नहीं। मेरी घर वाली गई अपनी बहन घर पे, वहाँ चली गई और मैं अकेला हो गया। फिर इसके बाद मेरे को रोटी देने वाला कोई नहीं, पीने ना कुछ करने वाला। शाम को आया ना आया, धोया थोड़ा सा फ्रेश होके चला गया मैं दवा लेने, जुकाम का नाक जाम थी वहाँ दवा लिया। फिर मुझे कल आराम किया मैंने छुट्टी करके, कुछ खाया नहीं, होटल चलाया बना, होटल खा हो कि इसी तरह गुजारा। फिर मैं सोचा यार, शाम को फिर गया मैं दोबारा कि चल मैं ले आता हूँ तो मेटाबॉलिक टेस्ट करा लो, एक बार ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट कराया तो से भगवान मर्जी कुछ निकला नहीं, हल्का फुल्का बुखार था इन्फेक्शन बुखार का, बाकी तो बुखार था। और बुखार फिर हमने कहा मेटाबॉलिक टेस्ट कराना पड़े 5-6 दिन बाद। मैं कहा अभी टेस्ट कराते हैं, टेस्ट अभी करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट ही कराना। तो टेस्ट कराया, 350 रुपये उन्होंने लिया। टेस्ट का मैडम दिखाया, मैडम ने दवा दी 60 रुपये की। फिर आया घर पे खाया, तभी बुखार नहीं जा रहा, अंदर से ऐसा लग रहा, अजीब से लग रहा मुंह के अंदर की, या कुछ अजीब सा हो रहा। सामने धूप सूरज है ना, इसलिए कैसा हो रहा मेरा चेहरा। हल्का भी खांसी आ रही है, अभी कोई इतना फ्रेश नहीं हूँ मैं। लड़के जिम वाले फ़ोन किए थे, भाई आए नहीं, कि यार चलो कल आऊँगा, तभी थोड़ी ढीली है इसलिए नहीं गया। और फिर मैंने टेस्ट कराया, फिर एक अपना यहाँ डॉक्टर आता जान पहचान का, उसको दिखाया, कहते जी कुछ है नहीं, ब्लड भी थोड़ा सा हल्का कम है, मुझे 17.12 से 17.15 आता शायद ग्राम, तो 7-15 ग्राम है हमारे में अभी खून, और खून भी अलग गाढ़ा है। तो उसके लिए फिर बोला ये 2 लहसुन हल्का छोटे तोड़ के छिलके खा के कच्चे, और जिम जा फिर पानी पी चले जाना जहाँ मर्जी जाओ सुबह खाली पेट। और उसने फिर मैंने कहा 100 रुपये दवा दी गैस की, दवा दे के कहता कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा बहुत होता रहता है और शरीर का ध्यान रखना। तो मैं आज कहा यार नहा धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो गया नहा धो के फ्रेश हुआ अभी। तो ये छत पे देखो थोड़ा सा बैठा था धूप में, लग रहा था सही है धूप में बैठे बैठे से, इसलिए अब छत पे बैठा हूँ। अभी मेरे घर वाले आने वाली है तो उसको जाना पड़ेगा लेने के लिए, ले जाऊँगा फिर उसको। वैसे गाइस अब कल मैं जिम जाऊँगा, बाकी फिर देखते हैं क्या बदलाव हुआ जिम में हमारे, क्या नहीं हुआ। अब जिम की फीस भी बढ़ गई 700 रुपये, उसका भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, इतने काम तो है नहीं, इतने पैसे पुसे कि यार चल एडजस्ट कर ले किसी तरह। अकेला यार रेंट भी देना, सारा कुछ अकेले करना पड़ता है मेरे को, थोड़ी प्रॉब्लम है इसी में, जिम के खर्चे अपने खर्चे बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ मैं। गाइस आप लोग सपोर्ट करो तो हो सकता है ये सब पॉसिबल हो जाए जल्द, और थोड़ा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की मेरी, अगर सपोर्ट करो तभी हेल्प होगी मेरी। प्लीज़ हमारे पास 5 महीने टाइम है, आप लोग ये प्लीज़ सपोर्ट करो जितना हो सके उतना, ठीक गाइस। अगर कोई हमसे गलती होती माफ़ करना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगते हैं, अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो माफ़ कर देना। ओके गाइस, बाकी बातें बाद में करते हैं आपसे, बाय।